आमिर खान की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 10वें नंबर पर है राजा हिंदुस्तानी। यह मूवी 11 नवंबर 1996 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में आमिर खान, करिश्मा कपूर, जॉनी लेवर, अर्चना पूरन सिंह, सुरेश ओबेरॉय थे। इस फिल्म का बजट 7,75,00,000 रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 76,34,00,000 रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 9वें नंबर पर है रंग दे बसंती। यह मूवी 26 जनवरी 2006 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में आमिर खान, सोहा अली खान, आर माधवन, सरमन जोशी, कुणाल कपूर थे। इस फिल्म का बजट 28 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 97,90,00,000 रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 8वें नंबर पर है तारे जमीन पर। यह मूवी 21 दिसंबर 2007 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में आमिर खान, तिशा चोपड़ा, ललिता जासमी, एमके रैना, विपिन शर्मा थे। इस फिल्म का बजट 18 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 87,57,00,000 रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 7वें नंबर पर है फना। यह मूवी 26 मई 2006 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में आमिर खान, काजोल, तब्बू, ऋषि कपूर, श्रुति सेठ, गौतमी कपूर थे। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ 48 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 8वें नंबर पर है तलाश। यह मूवी 30 नवंबर 2012 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। इस फिल्म का बजट 71 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 172,97,00,000 रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 5वें नंबर पर है गजनी। यह मूवी 25 दिसंबर 2008 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में आमिर खान, असीम, जिया खान, सुनील ग्रोवर, सोनल सहगल थे। इस फिल्म का बजट 52 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 194 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 4थे नंबर पर है थ्री इडियट्स। यह मूवी 24 दिसंबर 2009 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में आमिर खान, आर माधवन, सरमन जोशी, करीना कपूर, बोमन ईरानी थे। इस फिल्म का बजट 77 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 351 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 3रे नंबर पर है धूम 3। यह मूवी 20 दिसंबर 2013 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जैकी श्रॉफ, कैटरीना कैफ, रिया रॉय थे। इस फिल्म का बजट 175 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 524 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 2रे नंबर पर है पीके। यह मूवी 19 दिसंबर 2014 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में आमिर खान, सुशांत सिंह राजपूत, अनुष्का शर्मा, संजय दत्त, सौरभ शुक्ला, बोमन ईरानी थे। इस फिल्म का बजट 122 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 616 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पहले नंबर पर है दंगल। यह मूवी 23 दिसंबर 2016 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में आमिर खान, फातिमा, सना शेख, सान्या मल्होत्रा, अपरक्षित खुराना, साक्षी तनवार थे। इस फिल्म का बजट 132 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 702 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इन सब मूवी में आमिर खान की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताएँ।